আচৰিত ৰূপত সন্ধান ওলাল সন্ধানহীন নাবালিকাৰ। খবৰ শুনি হতবম্ব পৰিয়াল। ঘটনা 2018ৰ। শুনি আপুনিও আচৰিত হ'ব। যিগৰাকী নাবালিকা 5 বছৰ পূৰ্বেই সন্ধানহীন হৈছিল, যিগৰাকী নাবালিকা নিখোজ হোৱা বুলি পৰিয়ালে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল, সেই নাবালিকাৰ সন্ধান ওলাই দিল্লী আৰক্ষীৰ এগৰাকী কনিষ্টবলৰ ৰূপত। কেনেকৈ দিল্লী আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল হ'ল যুৱতী? দিল্লী আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলৰ ৰূপত উত্তীৰ্ণ হৈ যুৱতীগৰাকীয়ে বৰ্তমান প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে। তেওঁৰ অপহৰণ হোৱা নাছিল, ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিল বুলি প্ৰকাশ কৰে। চাকৰিৰ খাতিৰত নিজৰ প্ৰকৃত নাম প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই যুৱতীয়ে। ঘৰৰ পৰা পলাই অহাৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰে। शादी करने के लिए मैं कुछ प्रे कर रहे थे कि जे तुमको शादी कर देते हैं। उसके बाद में ये सोची कि नहीं, मैं इसका आर्थिक स्थिति कुछ डैमेज था, तो कहे कि नहीं हम पढ़ेंगे। पढ़ने के वास्ते वो कह रहे थे कि अभी शादी हम कम उम्र में नहीं करेंगे। तो गांव देहात के रीति रिवाज से तो आप लोग समझबे करते हैं, तो पिता हर आदमी चाहता है कि मेरी बेटी को शादी कर दें ना। अब उसी के आक्रोश में अपने बुआ के यहाँ दिल्ली चली गई और वहीं रहकर अपना पढ़ाई लिखाई की या सेलेक्ट भी कर गई बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस में उस सेलेक्ट, वहाँ अभी ट्रेनिंग में है। हाँ, सेलेक्ट हो गई है। और उसमें जो केस जो हुआ है अपहरण का, जो बयान के अनुसार से दे रही है, अभी तो हम बयान 64 का नहीं बता सकते हैं, लेकिन बयान में दे रही है कि हम बाबू को तुमको कोई अपहरण भी करके ले गया? तो नहीं, हम अपहरण करने के कोई हमको नहीं ले गया, हम खुद को गए थे पढ़ने के लिए। अपने उसका बुआ वही रहता है दिल्ली, तो गांव के समीप जो है उस तेजू पासवान को वहीं बोले कि हमको थोड़ा रहता है, वहीं पर काम करता है। वहां से हम सूचना दिए, फ़ोन नंबर जैसे नहीं, फरार घोषित नहीं, हम कहे कि बयान देना आवश्यक है, इसलिए कि 18 का केस है। हमको चार्ज मिला तो देखे अवलोकन किया, ट्रेनिंग चार केस तो हुआ 18 ही में, 18 का हुआ। नहीं, शादी का कोई हम पूछे भी, शादी करने का भी तुमको इरादा है? तो नहीं, उससे अभी कोई मतलब नहीं, अभी पढ़ने के लिए गई। पुलिस बने, कोई विभाग में जा सकते हैं, पढ़ने के बाद में जो बने। दुखिया घर हुआ बाबे पितृ कम बयसते बिया कराई दियार कथा उलाइसिल, किंतु सेई समयत पितृर सिद्धान्तत एकमत नासिल नाबालिका। पलाय आहिल दिल्लीलै, दिल्लीलै आहि सपन सार्थक करार बाबे संग्राम करे। যাতে কারো বাবে বুজা হবলকিয়া নহয়, চাকরি করে নিজের ভরিত থিয় হওয়ার কথা ভাবিছিল। আর আজি যুবতীগৰাকীৰ বিষয়ে সন্ধান পাই গৌরবান্বিত হয়ে পড়ছে পরিয়াল। এই ঘটনার পৰা বুঝিব পাৰি, জীবন কাহিনী সলাবলে বিচাৰিলে একোই বাধা হব নোৱাৰে। লক্ষ্য স্থির থাকিলে দরিদ্রতাও হেঙার হব নোৱাৰে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।